सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एचएससी बोर्ड 2024। इससे पहले हमने पार्ट वन बनाया था जिसमें हमने ऑसिलेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। उस वीडियो को आप जरूर देखिए, वहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिपीट हो रहा है जो 2024 में आने के चांसेस है। इस वीडियो के अंदर भी हम बात करने वाले हैं जो पिछले 8 से 10 साल के अंदर बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है एचएससी बोर्ड के अंदर और इस साल भी बहुत प्रोबेबल चांसेस है कि आ सकता है। सो इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जरूर जाना है 2024 के लिए। स्टार्ट करते हैं, हमारा इस वक्त चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट आ रहा है वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का आ रहा है। इसका डायग्राम जो कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो, ड्रॉ ए नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसका डायग्राम आपको पूछा जाता है हर साल, ये क्वेश्चन ऐसे ना वैसे कुछ ना कुछ करके आता ही है। डायग्राम पूछने का बोर्ड के अंदर पैटर्न तो है ही, 6 मार्क्स के लिए हर साल आता है। तो उसमें भी आपको ये जरूरी याद रखना है कि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, ठीक है? तो ये याद करके जाना, ये मार्च 2022 के अंदर आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो, उसका डेरिवेशन क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, वो क्वेश्चन आपको फरवरी 2023 मतलब इस साल पूछा हुआ क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। तो इसको भी प्रिपेयर अच्छे तरह से करके जाना है आपको। स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। फिर से ये फरवरी 2020 में पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है? देन कन्वर्जन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। देखो वही क्वेश्चन फरवरी 2023 में एमीटर में कन्वर्ट करने को बोला था और फरवरी 2017 के अंदर आपको 3 मार्क्स के लिए इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने को बोला है और डिराइव करने को बोला है इसका नेसेसरी फॉर्मूला, ठीक है? तो मैंने बोला ही है, इसका डेरिवेशन याद करके समझ कर जाओ अच्छी तरह से। देखिए फिर यही क्वेश्चन, ड्रॉ ए नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। 2015 में पूछा हुआ सवाल 3 मार्क्स के लिए, जो कि 22 में पूछा हुआ था, फिर रिपीट हो गया है। इधर समझने वाली बात यह है कि आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो भी कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में, जितने भी वो सब करके जाना जरूरी है। चाहे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का आपको डेरिवेशन बनाने को बोला है, ठीक है, या फिर उसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है, इसका डायग्राम सब चीज अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाओ। यहां से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के सवाल आएंगे, आपको उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है? शो दैट करंट फ्लोइंग थ्रू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल। मतलब यहां पे आपको करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा से। ये वाला डेरिवेशन आपको पूछा जाता है बोर्ड्स के अंदर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कनेक्टेड तो अगेन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से ही है, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का ढंग अलग कर दिया है, ठीक है? इसलिए ये क्वेश्चन पुराना होने के बावजूद भी मैंने लिया है ताकि आपको इस तरह का भी क्वेश्चन आए तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ठीक है? ऐसे ही टाइप का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट आपको मार्च 2013, 10 में, 9 में, 8 में, मतलब बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना जरूरी है, ये आपको करके ही जाना चाहिए, ठीक है? सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला होगा। इफ यू हैव एनी वैल्यू देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।